इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज ब्लॉक के भैयाडानी से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल की जा रही है। तो वहीं अच्छे तादाद में लोग पंचायत चुनाव में ले रहे हैं हिस्सा। तस्वीरें इस वक्त की किशनगंज बिहार से हैं। समाज संवाददाता ने बड़ी जानकारी ली। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सोशल डिस्टेंस का भी पालन की जा रही है। तो वहीं ऐसे में चुनाव के दरमियान लोग पर्चा दाखिल करने के लिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी तादाद में पुलिस प्रशासन भी तैनात रही। वहीं मौजूद संवाददाता ने कई बड़ी जानकारियां ले पाई। ऐसे में बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनको किस तरह से प्रशासन द्वारा फॉलो की कराई जा रही है, आप देख सकते हैं। तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के भैयाडांगी ब्लॉक से, जहाँ लोग इलेक्शन के प्रचार दाखिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हैं, आपको सीधे तस्वीरों को ले चलते हैं। हमारे संवाददाता ने कई लोगों से जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनसे बात की, क्या कुछ है। चलिए आपको संवाददाता महनाज आलम की ओर। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन दाखिल कर चुके हैं आज जी। क्या है मैनिफेस्टो आपका और पंचायत के प्रति क्या कुछ सोच रहे हैं? पंचायत कुछ लोगों का, गरीबों का भलाई करना हमारा मकसद रहेगा। सरकार से ला के गरीबों को बांटना मेरा कर्तव्य है। पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं? नहीं, दूसरा बार जी। अच्छा, क्या मैनिफेस्टो है आपका? इस बार चुनाव आप लड़ेंगे, किस मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? गरीबों का भलाई करने का मुद्दा रहेगा। कौन ऐसे काम है जो अब तक आप अपने कार्यकाल में नहीं किए, जो आप दोबारा? हमने लेबरों को, हमने अब तक लोगों को, गरीबों को बहुत काम करवा रहे हैं। और अगर प्रतिनिधि बन के गरीब हमको लाएगा तो और गरीबों का सेवा हम करें। अच्छा, जहाँ तक टेशवा पंचायत की बात है, कई ऐसे सड़कें हैं कि जो गुणवत्ता में नहीं आ पाया, क्यों आखिर सड़कें बनाया, टूटने लगा, उखड़ने लगा, तो काम में गुणवत्ता क्यों नहीं? वो जो किया उससे उसको नहीं जाना है। क्यों? हम अपने करेंगे, ठीक है, ठीक है, हम अपने करेंगे। लोगों से लाएंगे, लोगों को देंगे, गरीबों का हक पहुँचाएंगे। मतीउर रहमान साहब, आप नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं जी। पिछले बार चुनाव में कितने वोट से आप हारे थे? 47 वोट से हारा था। 47 वोट से। इस बार क्या है, चुनाव की नीतियों पर कैसे खड़ा उतरेंगे आप? चुनाव की नीति पर मुझे यकीन है कि इस बार सही खड़े उतरूंगा। क्या जनता के उन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे कि जो जनता जो चीज़ चाह रही थी? बिल्कुल, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। क्या प्राथमिकता, मैनिफेस्टो क्या तैयार किया? मेरा मैनिफेस्टो यही रहेगा कि जनता जिस चीज़ से ये है मरहूम है, यानी नहीं मिला है, वंचित है, वैसी चीज़ को मैं प्राथमिकता दूंगा। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसे बहुत सारे लोगों का जॉब कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड, इस तरह का बहुत सारे लोगों का जो है छूटा हुआ है, इसको मैं चुन चुन कर हर परिवार को देने का कोशिश करूँगा। कहा जाता है कि इससे पूर्व जो है गाजपुरा पंचायत में जो विकास हुआ था उनमें गुणवत्ता लोगों में नहीं दिखा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, काम सिर्फ धरातल पर नहीं खड़ा हो पाया। क्या लगता है, इन चीज़ों पे आप उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरूंगा। या सिर्फ मीडिया को सिर्फ संबोधित करने के लिए बात कही जा रही है? मैं जमीन पर खड़े उतरूंगा, खड़े उतरेंगे। अगर लोग मुझे अगर इस चुनाव में चुन के अगर भेजते हैं तो मैं लोगों का विश्वास पर खड़े उतरूंगा, खड़ा उतर। अभी लोगों की मोहब्बत कितनी है आपके साथ, कितने लोग आपके समर्थन में? अभी तो मैक्सिमम लोगों का समर्थन है मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मतीउर रहमान। पंचायत गाजपाड़ा।